हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सास बहू और दुनियादारी। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही इजी रेसिपी है, वो है सूजी के रसगुल्ले। ये रसगुल्ले बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी बन के रेडी होता है। वैसे तो मीठा खाना सबको बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, चाहे वो रसगुल्ला हो या और भी कोई जलेबी मिठाई कुछ भी हो। तो ये रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और मेरे वीडियो को पूरा वॉच करें। अब देखते हैं सूजी के रसगुल्ले में क्या क्या लगता है। ये हमने लिया है एक कटोरी सूजी, एक कप दूध फुल मिल्क और चीनी, छोटी इलायची जो कि हमने चीनी के साथ पीस लिया ताकि चिपके ना, किशमिश जो हम भरेंगे और ये हाफ स्पून घी। अब चलते हैं हम सबसे पहले रसगुल्ले बनाने से पहले चाशनी को रेडी कर लेते हैं ताकि वो ठंडा हो जाएगा। और ये रेसिपी एक बार अपने घर पे जरूर ट्राई करिएगा, ये बहुत टेस्टी और बहुत ही ईजी बन के रेडी होता है। सबसे पहले हमने भगोने को चढ़ा दिया है, अब इसमें हम एक कप पानी डालेंगे ताकि खौलने लगे, तब हम चीनी डालेंगे। पानी अब हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम ये हमारी चीनी है इसको हम डालेंगे। चीनी हमारी कभी गल चुकी है और ये देखिए इस कलर में आ चुका है, इसे हम गाढ़ा होने देंगे ताकि हमारे रसगुल्ले टूटे ना। अगर चाशनी हमारी पतली रहेगी तो रसगुल्ले सारे टूट जाएंगे, इसलिए चाशनी को थोड़ा टाइट ही बनाएंगे, यानी कि जैसे एक नंबर एक तार बने ऐसी हमें चाशनी बना के रेडी करना है। हम एक स्पून से ऐसे बराबर चलाते रहेंगे। हमारी चाशनी देखिए अब बनके रेडी हो चुकी है। अब हम अपने गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। ये लो, आप लोग देखिए बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, जैसा हमें गुलाब जामुन के लिए चाहिए। हमारा चाशनी बनके रेडी है, अब इसे हम बंद कर देंगे। अब चलते हैं हम सूजी का बढ़िया डो बनाते हैं। मैंने घी डाल दिया, गरम हो चुका, अब इसमें हम दूध डालेंगे। अब इसे थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। दूध को मैंने डाल दिया है, अब इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे, फिर उसके बाद इसमें हम सूजी ऐड करेंगे। अब इसमें हम 2 स्पून चीनी डालेंगे ताकि हमारे सूजी में मिठास बनी रहे, फीका ना लगे, तो इसलिए हम 2 स्पून इसमें चीनी डालेंगे। तो डाल दिया है, अब इसमें हम सूजी ऐड करेंगे और दूध भी हमारा थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, तो इसे हम धीरे धीरे डालेंगे, बहुत ही धीरे धीरे डालेंगे क्योंकि दूध हमारा गर्म है, लम्स ना बने, इसलिए एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे डाल के चलाना है और अच्छे से गाढ़ा होने तक पकाएंगे, जब तक इसका एक अच्छा डो बनके रेडी ना हो जाए। ये सूजी का बढ़िया डो की तरह रेडी हो चुका है, अब ये हम निकाल लेंगे और ठंडा होने पर इसकी गोलियां बना के डीप फ्राई कर लेंगे। अपने गैस के फ्लेम को हम बंद कर रहे हैं। ये हमने एक प्लेट में निकाल लिया है, अब इसे बहुत ही ज्यादा ठंडा भी नहीं करना है और बहुत गर्म में भी नहीं बना सकते, इसलिए हम थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और ज़्यादा अगर ठंडा हो जाएगा तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो अब चलते हैं, इसमें हम थोड़ी सी इलायची पाउडर मिलाते हैं, इलायची पाउडर डालेंगे ताकि इसमें रसगुल्ले में हमारे खुशबू बहुत अच्छी आए। अब इसे हम बहुत अच्छी तरीके से मैश करेंगे ताकि हमारे रसगुल्ले फटे ना। चाशनी हमारी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है, अब इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे और 1 स्पून रोज वाटर ताकि बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आए। ये मैं सूजी की बढ़िया डो तैयार हो चुका है। अपने रसगुल्ले के साइज को पीसेस हम काट लेंगे, जैसा भी छोटा बड़ा चाहिए हम बना लेंगे एक साइज के। फिर उसके बाद मसल लेंगे ताकि हमारे रसगुल्ले फटे ना। अब इसके बाद हम
आपने ये जो किशमिश की साइज है एक या दो जैसा भी, ताकि बीच में जो गुलटियां पड़ जाती हैं वो ना पड़े, बीच में डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से ऐसे करके दबा देंगे और मसल लेंगे। ये हमारे रसगुल्ला बनके रेडी हो चुका है। अब इसी तरह हम और भी रसगुल्ले बना लेंगे। बीच में हम दो किशमिश डाल देंगे और फिर ऐसे बंद करके बढ़िया से रोल कर लेंगे। ये भी हमारा बनके रेडी हो चुका है। ये हमने ऑयल डाल दिया, ये गर्म हो चुका है। अब इसमें हम एक एक करके डालेंगे। बढ़िया मीडियम आंच पे पकाएंगे ताकि बहुत ही अच्छी तरीके से पक जाए, कच्चा ना रहे। ये आपको रसगुल्ले की तरह लग रहे होंगे। अब ये हमारे हल्के गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक एक करके पलटेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब मैंने सारे रसगुल्लों को पलट दिया है। अब देखिए अब ऐसे अभी थोड़ा और गोल्डन होने तक हम इसे पकाएंगे। अब ये गुलाब जामुन हमारे बढ़िया कलर में आ चुके हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। अभी ये हम अपनी चाशनी में रसगुल्ले डाल देंगे सारे। हमारे सूजी के रसगुल्ले बनके रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी होता है। और ये देखिए बहुत ही स्पंजी है, आप लोग खुद देखिए। और ये रेसिपी अगर आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये रेसिपी आप लोग को कैसी लगी है। और एक बार अपने घर पे जरूर से जरूर ट्राई करें। अपने अनुभव सास बहू और दुनियादारी के साथ जरूर शेयर करें। बाय बाय।